बिल्कुल फनिंग वे में बेटा, तू बता। उनको बताती हूँ कि बेटा आप बोलो अब, तेरे को क्या समझ आया? दिया सिंह, मैं सेम क्वेश्चन बेटा, नो लैंग्वेज बैरियर इज देयर इन माई क्लास, यू कैन स्पीक ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश में नहीं बोलना, जस्ट स्पीक इन हिंदी, नॉट इन पंजाबी। सर ठीक है, एक मिनट, दो मिनट, स्टैंडिंग ओवेशन फॉर मैम, शी इज रियली एन अमेजिंग ऑरेटर एंड Why you people have invited me? You are already a wonderful resource person. She is very clever, but माइक्रोबिया है, माइक्रोबिया है। Have a seat, all please. अगर आपको माइक्रोबिया ना हो तो आप तो आराम में लगा देंगे। Yes, carry on, continue. Sorry. मैं अपने teachers को students मान रही हूँ। इसमें इधर नहीं कम्युनिकेट। This is the perfect definition of a resource person. Yes, carry on. हाँ जी, sir, फिर मैं उनको ना six की तरह teach करती हूँ। This is the reality. You can It's my challenge. You can ask from the every student कि they are satisfied from me or not. Boys जिनके लिए होता है कि these are below than average, वो average से भी below है. मैं challenge करती हूँ, मैं एक बार ही पढ़ा दूँ, उनको आएगा. Full fledged नहीं आएगा, according to book नहीं आएगा, but उतना आएगा जो मैंने समझाया. उनके लिए मेरी एक wording होती है, me and Anshul ma'am is using same the statement in the class. Me and बताने जा रही हूँ. मेरा एक स्टूडेंट है गुशान, आई वॉज टीचिंग इन 11th, नाउ ही इज इन 12th क्लास. उसने सर फाइनल उसका रिजल्ट आया बिजनेस स्टडीज का, ही गॉट 99 मार्क्स फ्रॉम द बिजनेस स्टडीज. और मैंने कहा बेटा 100 क्यों नहीं, हमारा एक ही फोकस होता है, 100 क्यों नहीं? उसने कहा मैम रियली दिस इज द रियलिटी टीचर्स. उसने कहा मैम मैंने बुक नहीं उठाई, दिस इज द रियलिटी. उसने कहा मैम मैंने बुक नहीं उठाई. मैं क्या, अगर बुक उठा लेता ये एक भी आ जाना था. और मेरे को मैं पास 101% पास, कि अगर तेरा तूने मेरे को सुना है और तेरे को इतने मार्क्स आ गए अगर तू पढ़ता. और यही चीज है बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए. जो सर ने कहा स्लो लर्नर, सर की बात बिल्कुल सही है, अमन सर की, नोबडी इज स्लो लर्नर. इतने शार्प माइंडेड है, वो तो हमें सिखाते हैं कि मैं ऐसा बच्चा हूं, आप ऐसे बनो. दे आर गिविंग द टेक्स्ट, दे आर गिविंग द सिचुएशंस टू अस, वो हमें सिचुएशन देते हैं कि मैं ऐसा हूँ, सीरियसली मेरे को हैंडल करो. और एक और फनिंग सी चीज जो मेरी क्लास में मैं करती हूँ, दिस इज योर वर्कशॉप, प्लीज डोंट स्टॉप, कंटिन्यू. हाँ ना, इट्स योर वर्कशॉप. सिर्फ मैं क्लास में उनको बोलती हूँ, अगर दे आर क्रिएटिंग द नॉइस, they are not listening to us. मैं उनको एक dialogue बोलती हूँ, really, that is from the my favorite movie, Chak De India. इसमें मैं उनको बोलती हूँ, really, I am saying, बेटा आपकी क्लास में मैं आपकी डॉन हूँ. आप ये नहीं सोचोगे कि आप मेरे से ज्यादा क्लेवर हो या मैं आपको पकड़ नहीं पाऊंगी, पर उसके लिए मुझे एक एक सेकंड के लिए उन पे कंसंट्रेट करना पड़ता है. What they are doing, what they are doing, last is this, what are they are doing? और उनको ये देखना है कि वो क्या कर रहे हैं. They are doing like, they are hiding the phone. मुझे पता चलना चाहिए before the camera. उसके लिए अलर्टनेस वो करोगे और उनपे थोड़ी कमांड बनाओगे. मैं क्लास में चलेगी तो मैं हूँ बस. आप मेरे यूनियन, आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट हो, मैं आपकी बॉस हूँ तो बॉस हूँ. थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा अपने आप कमांड बनाने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू मी. सो थैंक यू. You are a good soul. I'll give you some trouble to record because I'm one man army. Let me tell you one thing. When she was speaking, when she walked and stepped up, and she said that I have a mic phobia,
From there, I recall Hansra sir, Prem sir. To, I have hummed this song because of her. Had she not told about the my phobia, I would not have hummed that song. Am I right? Then, after that, she gets charged, motivated. Okay, let me say something. Before that, she got confidence that she has met me in one of the schools in Jalandhar. She knew me already. That is how the bonding, which I was telling you, have the bonding with the parents, then child will come. Am I right? I made you all comfortable that we are one team. Then he told me, this man is very dangerous. Whenever this workshop is supposed to be on today's, September, God is very happy today. Right? So, I'm telling you one thing, sir. मैं पहुंच गया तुझे मैं क्या नॉर्मल मैं बहुत मतलब प्रैंक बड़ा खेल रहा है मैं क्या बता हरे पटियाले तो चल गया सर तुझे बेइज्जती करवा दूंगी अब मेरी सर मैं तो लुधियाना टप गया मौके पहुंच गया मैं सर मैं कहा यार मैं आ जाऊंगा कोई ना तुझे ना सर गल पैदा ले मैं तो हाँ कहता मैं थी कितने बजे आ गया सी क्वार्टर टू एट I was here in quarter to eight and जिमें जहाज़ ना landing करन तो पहला नू time नहीं तो ऊपर गेड़े कट रहा है तो मैं गेड़े कटे ही यार उन तो बाद में आ गया यार let's go to the market I am very fond of learning local accent if once I was lost somewhere in Rakhiya my GPS was not working तो मैं इकुनु क्या मैं क्या यार मैं बठिंडे नू जाना किधर नू जाऊँ वो मैंने देखने चले गए कि बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं है मैंने सर्दी गल याद आई और सोने लगे जीपीआरएस नहीं थी मींस यू डोंट हैव द जीपीआरएस विद मी मैंने मेरे लगे जीपीआरएस था है पर नेट मेरे लगे नहीं है मतलब रिचार्ज करा लिया करो फिर इतने बजे इतना कार रखी है वो मैं कह नहीं यार सिग्नल नहीं यार अच्छा फिर कहने गांव जाके अटकने हो जाना मैं फिर गाड़ी जाएगी और सीधा फिर गांव जाके इधर हो जाना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ Good afternoon, everyone. Myself, Anjal. Adhirakhlo, ठीक है. Myself, Anjal Vikram. I am here since 2015, and I'm economics teacher here. जैसे मैम ने बात शुरू की कि आंचल मैम. We used to share the things कि बच्चे हमारे जो commerce के sir जो I want to share one thing. This छोटी workshop है, it's your workshop. ये आपकी कार्य क्या बोलेंगे workshop को कार्य दुकान जो भी बोलेंगे. मेरी हिंदी मतलब हम तो बीच में मंजे डाल देते हैं गोटे पास दे रहते हैं. मेरी हिंदी थोड़ी सी ऐसी है. ओके तो खुल के बोलो. सर मेरे को ये लगता है कि बच्चों का जैसे आजकल सभी बात कर रहे थे कि बच्चे बात नहीं सुनते बच्चे ऐसे हैं बच्चे मुझे लगता है कि थोड़ा हमें भी बच्चों को समझना चाहिए अगर हम बच्चों के लेवल से समझेंगे तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं लाइक बिफोर ज्वाइनिंग हियर मेरा हमेशा मन था कि मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर ही बनूँ क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्टोरीज बहुत ज़्यादा देखती हूँ बहुत ज़्यादा तो एक मोटिवेशनल स्टोरी दैट आई वॉन्ट टू शेयर हियर इफ मैम जो तुसी उठो चल गए है ना मैं के बड़ी ओबीडिएंट है भी मैम को पूछो भी मैं जावा पर मतलब बात से समझ आया वो कैमरे ते को नहीं लगना चाहते थे हम राइट आई एम आल्सो इंटेलिजेंट यस प्लीज स्टोरी इज कि जब मैंने सर यहां पे ज्वाइन किया था तो चीजें नई होती हैं सीखते हैं अभी तो सीख ही रहे हैं ऐसा नहीं है कि वी आर हियर टू लर्न नहीं कर रहे मैंने अपने कलीग से सबसे बहुत कुछ सीखा तो एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहूंगी कि कई बार हम सोच लेते हैं ये चीज हमसे नहीं होगी या ये चीज हम कर नहीं सकते तो एक बार क्या होता है कि दो फ्रेंड्स होते हैं एक बहुत मोटा था
बहुत हेल्दी वन, और एक उसका बिल्कुल फ्रेंड जो बिल्कुल स्लिम था, जो ऐसे लगता था कि ये कुछ नहीं कर सकता, कि अगर कोई भी लाइफ में सिचुएशन आ जाएगी तो ये उसको फेस नहीं कर सकता। तो वन डे वो दोनों खेल रहे थे, जो गांव में कुएं होते हैं ना, तो उसके पास खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उसका जो फ्रेंड मोटे वाला था वो गिर जाता है कुएं में। तो जब वो गिरता है तो आसपास सब चिल्लाने लग जाते हैं, बचाओ बचाओ, गिर गया बचाओ। तो वो जो पतला सा फ्रेंड होता है तो वो उसको बचा लेता है। जब उसको बचाता है तो डेफिनेटली दैट टाइम क्या होता था कि कभी भी आप छोटा सा काम भी करो तो आपको गांव में अप्रिशिएट किया जाता था। तो जब पंचायत आती है, सभी बैठते हैं, तो वो कहते हैं देखो इसने इसको बचा लिया। तो लोग बहुत होते हैं बातें करने वाले, वो कहते हैं आगे बचाओगे पतलू रहे बचा नहीं सकता, एक तो बचा लेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग बातें करते हैं। तो बाद में जब उसको बिठाते हैं वो कहते हैं कि तू ये बता, तेरे में खुद को उठाने की तो हिम्मत नहीं है और तूने इतने अपने मोटे फ्रेंड को कैसे कैरी कर लिया। तो वो कहते हैं मैं एक बात आपको ये कहना चाहूंगा, जब मेरा फ्रेंड गिरा ना तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि वो मेरा फ्रेंड है और मुझे उसको बचाना है। तो बहुत लोग ऐसे थे जो कह रहे थे ये बचा नहीं सकता, इसमें क्या हिम्मत है, इतनी बचा लेगा, ये क्या कर सकता है, इसने कभी हाथ से उठा के कुछ किया तो है नहीं। तो बाद में वो क्या कहते हैं कि मैं जब सभी कह रहे थे ना तो मेरे कान बिल्कुल बंद थे, मैंने कुछ नहीं सुना कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। तो यही सेम हमारी लाइफ में है कि अगर हम खुद फोकस, मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि आप ये मत सोचा करो आप वीक हो, आप पढ़ नहीं सकते, ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट, आप कर सकते हो। अगर आप से टू नो कि मेरे को वो तो सुनना ही नहीं है कि मैं कर नहीं सकता, मैं कर सकता हूँ। और अगर यही चीज हम सब में होगी, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैंने एज एन इकोनॉमिक्स टीचर ज्वाइन किया था लेकिन आफ्टर द गैप ऑफ 5 years आफ्टर माय मैरिज, तो मुझे लगता था मैं पढ़ा नहीं सकती। लेकिन वही मैम वाली बात, अगर हमने सीखने की है कि कोई कह दे तू बन जाएंगी टीचर, कितने पढ़ा लेंगी, तू पढ़ा ही नहीं सकती, लेकिन आई एम अ टीचर टूडे एंड आई लव टीचिंग और बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। तो अगर हम ये चीजें अपनी लाइफ में थोड़ी सी लाएंगे कि कौन क्या कह रहा है मैटर नहीं करता, हमारा फोकस अगर होगा, क्या बोलते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए ना। कंटिन्यू बस यही है कि थोड़ा सा बच्चों को हम सब समझें, अगर हम उन्हें प्यार से समझेंगे और बार बार अगर हम उनकी एक ही चीज पे फोकस करते रहेंगे तू ऐसा है तू ये है तू वो है, तो डेफिनेटली चीजें वर्स्ट होंगी। अगर हम उनको और ज्यादा प्यार से डील करेंगे चीजों को और हम खुद भी अगर फोकस करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं हम नहीं कर सकते, वी कैन डू एवरीथिंग, वी आर टीचर्स एंड मदर्स आल्सो। आज तो बाद ना फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डिजाइन वन स्टिकर, अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट, नीचे बड़ा बड़ा लिखो प्राउड टू बी अ टीचर। मेरी कार खड़ी है बाहर, एक्चुअली मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इन हिल्स, तो उतनी लंबी गाड़ियां नहीं चल दिया, वहां की सुपरस्टार कार है एडो और स्विफ्ट वहां की मर्सिडीज है। तो मैंने पूरा लिखा हुआ अपना, तो मुझे चंडीगढ़ रोक लिया, बोलते ये क्या है, मैंने कहा जिसको देख के तू पुलिस में आया, मैंने कहा फिजिक्स कितना चलान काटूंगा, मैं काट दे पर मैं जाके कोर्ट साहब कोर्ट में जज साहब के सामने बोलूंगा मैंने लिखा था प्राउड टू बी टीचर। चुप हो गया मैं, कहा और जो तुम मुझसे एक्सपेक्टेशन रखा बैठा है भूल जा, वो नहीं। तो कहता कोई जानता है, मैं कहा हाँ, कहता कौन, मैं कहा रामलाल, कहता ये तो मैं ही हूं, मैं कहा और नहीं मेरे को जानता। लॉजिक इज व्हाट, आपको पता नहीं आप है कौन, आप नहीं जानते आप कौन हो। शी सेड ना आई लव टीचिंग, आई लव गॉड, आई नेवर फियर गॉड। एक बार मैं बनखंडी बगलामुखी माता जी के मंदिर मत्था टेक रहा, तो एक मैडम अपने पति को गालियां मार रही है, तू बेल्ट डाल के चला गया मंदिर के अंदर, माता तेरे को मारेगी। मैं सुन रहा, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा ये कौन है, कहता ये मेरा बेटा है। मैं कितने साल का है, मैं कह ये कितनी 2 साल का है, मैं कह अगर ये डायपर में पॉटी कर दे तो इसको मारेगी, कहता ना, मैं कह होगी तो मां है वो मारेगी थोड़ी, मेरे तरह रही हुई है। Am I right? We don't love God, we fear God.
हम बात करेंगे। आज मैंने चार माला 108 की, वो गिनो ना यार, गिनना क्या है, अगर सिमरन करना है तो करो और बताओ मत, वो अंदर ही चलता रहता है। इसी तरह से जब टीचिंग है, कई लोग बोलते हैं यार ये फलाना एक्टर इतने पैसे लेता है, इतने पैसे लेता है, मैं क्या उसकी पिक्चर रिलीज होने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर खरीद लेता है। क्यों? उसने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई, उसने अपनी वर्थ बनाई। आपका नाम? आंचल मित्तल। आपका नाम? मनदीप मैम, आंचल मैम, अमन सर, सभी लोग जितने भी हैं, अगर यहां अपना बेस्ट देंगे स्कूल में, ठीक है, पेरेंट्स पागल हो जाएंगे, यार हमने पढ़ना तो इन्हीं के पास, एडमिशन के लिए लाइन लग जाएगी। आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि कल से हमने आना नहीं है, आपको बोलेंगे बेटा इधर आ, क्या प्रॉब्लम है सर, देख तेरी बता देती रोड़ा ना पाई, चुपचाप तेरी ने आ जा कर। यू आर ए स्टार परफॉर्मर, आप कभी सोचते हो? आप सुनिए, आपको सैलरी कौन देता है? मैनेजमेंट देती है। गलत, आपको सैलरी तो पेरेंट्स देते हैं। वो अभी तो आपने बोला वो भगवान, वो तो ठीक है, अब ये टीचर थोड़ी मानेंगे विश्व गुरु है, वैसे कह रहा हूं। तो लॉजिक इज दैट कि हमें अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है। मिला रहे तो नर रहे बोलो, हिंदी भी इंटरेस्टिंग हो सकती है, पंजाबी भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, इंग्लिश करेंगे ब्रेक के बाद, बहुत इंटरेस्टिंग, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यू नो व्हेन यू फॉल इन लव विद योर सब्जेक्ट, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये चलता रहेगा। बेशक आपको ताने मिले घर में कि तू इतने भी स्कूल खोले हुए अपना है, तू इतने भी स्कूल खोले हुए है। नहीं टीचर्स, बॉन्डिंग कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो होगा कैसे और उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे खाने पीने के बाद। थैंक यू डियर टीचर्स फॉर योर वैल्यूएबल पार्टिसिपेशन, एंड एवरी टीचर मस्ट थिंक ए क्वेश्चन एंड आस्क मी, I'll try to answer. What makes me to say like that? Why I'm so confident? Because I'm ready to accept ke nahi aata to hum milke discuss karenge. Am I right? So we should call it for a break. How is the workshop? Have you noticed one thing? I haven't taken a sip of water. मैंने पिया नहीं है, क्यों? आई एम एंजॉइंग, बिकॉज यू आर एंजॉइंग। फिजिक्स टीचर, हाउ मेनी फिजिक्स टीचर है यहाँ? फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ, सिग्निफिकेंस, तो इट इज अ रेसिप्रोकेशन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑल इन द सेम नंबर, जो नहीं आए उनको फोन करके बुला लो। थैंक यू। कुछ अनाउंस कर रहे ऑल द टीचर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न बैक टिल 12:40। थैंक यू। डन जी, डन। मेमोरी बता रहे हैं।